हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ मैं। ट्रूथ ऑफ वायरल मिलिट्री फेल्स ऑफ चाइनीज़, ये मुझे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी, जो अब मैं ये वाली वीडियो लगा के देखने लगा हूँ। तो आप भी मेरे साथ बैठ कर देखें, उसके बाद हम बातें करते हैं। आपका टाइम ना ज़ाया करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, वीडियो की तरफ चलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि चाइना की बेइज्जती के लिए कुछ वीडियोस यहाँ पे सामने आए हैं, जिनसे कि ये आपको पता चलेगा कि चाइनीज़ मिलिट्री जो अपना प्रोपोगेंडा वीडियो में दिखाती है वो क्या है, और एक्चुअल में चाइनीज़ मिलिट्री की तैयारी कैसी होती है, और साथ ही साथ इनकी मीडिया एजेंसीज किस तरीके से प्रोपोगेंडा चलाती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं चार तरीके की चीज़ें आपको बताऊँगा। दो उनके वीडियोस होंगे जो कि उनकी आर्मी की तैयारी को दिखाएंगे, और दो उनकी मीडिया एजेंसी की ओर से आई हुई खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको चाइनीज मिलिट्री के बारे में सच्चाई जाननी है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो से। ये वीडियो दोस्तों मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला था, और हो सकता है आपने यूट्यूब पे भी देखा हो। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो ये चाइना का ही है। सबसे पहले ये क्लियर है, इसका फेस देख सकते हैं, और बगल में आपको चाइनीज कर्टेन टाइप की चीजें भी दिखाई दे रही है। और इसने जो हाथ में लिया हुआ है वो है एक मैन पैड, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। बात की जाए इससे क्या होता है, तो इससे बेसिकली अगर आपके काफी करीब 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में कोई हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या ड्रोन वगैरह तरह की चीजें उड़ती है, तो आप उन्हें इनके थ्रू फायर करके गिरा सकते हो। तो अब इस वीडियो में आप ये देखो कि ये किस तरीके से फायर करके इन्होंने गिराया है। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो अब मैं आपको स्लो मोशन में भी ये दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं स्लो मोशन में कि किस तरीके से ये चीज़ हुई है। अब इसमें अगर बात की जाए गलती की कि गलती किसकी है, तो इसमें दो तरह की गलती हो सकती है। पहला, ये जो उसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये चाइनीज़ माल ही ख़राब है, तो ये क्योंकि मिसाइल प्रॉपरली फायर नहीं कर पाया इसलिए ऐसा हो सकता है, इसी के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर सिर्फ फायरिंग करने में इशू हुआ होता तो उसकी वजह से फिर जो उसका पर्सनल है जिसने फायर किया था वो पीछे गिर सकता था, लेकिन इस तरह उसके हाथ से ही ये चीज़ छूट के बाहर निकल गई। तो इससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस मैन पैड में ही एक्चुअल में कोई दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वीडियो पे, जो कि एक हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग का है, और ये कहीं लद्दाख के ही आसपास के रीजन का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये वीडियो देखिए, ये अपने हेलीकॉप्टर को पानी में तैराने की काबिलियत जैसी चीज़ कोई दिखा रहे हैं, और अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा क्या होगा। क्या आपने ठीक तरीके से देखा दोस्तों इस वीडियो को, कि इसमें इन्होंने पानी में कुछ ज़्यादा ही लगता है ये अंदर इस हेलीकॉप्टर को, ये हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि इसे इन्होंने सबमरीन समझ लिया था, और ये इसे ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड ही कराने वाले थे पानी के अंदर, तो उसकी वजह से इन्हें इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये तो इसमें पूरी की पूरी पायलट की ही गलती मुझे समझ में आ रही है। इसके अलावा, ये तो बात हो गई दो वायरल वीडियो की, इसके अलावा मैं तीसरी बात आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि अगर आप लोग मेरे से फेसबुक पे जुड़े हैं तो आपने देखा होगा फेसबुक पोस्ट को मेरे पर, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये पोस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, पीपल्स डेली चाइना, ये कोई ऐसा वैसा अकाउंट नहीं है दोस्तों, इनके ट्विटर पे 7 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है। बीजिंग चाइना लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इन चाइना, मतलब ये ग्लोबल टाइम्स से भी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और ये स्पेशली जो PLA है उनका, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी, ये उसी के कहने पर चलते हैं, तो ये उनका प्रोपोगेंडा है, और ग्लोबल टाइम्स आपको पता है वो चाइनीज सरकार का प्रोपोगेंडा है। तो इन्होंने क्या पोस्ट किया आप ये पढ़िए पहले, इनका एक वीडियो इन्होंने पोस्ट किया और लिखा हुआ है, इंप्रेसिव ट्रेनिंग वीडियो ऑफ चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट शोज जेट स्पीड्स अलोंग द रनवे बिफोर टर्निंग 90 डिग्रीज एज इट टेक्स ऑफ विद इट्स नोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। इन्होंने ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है ये आपको, ये वीडियो जब मैं प्ले करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इन्होंने कौन सा वीडियो पोस्ट किया है।
तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा दोस्तों, और इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि ये रनवे के काफ़ी क्लोज उड़ता हुआ फाइटर जेट अचानक से आता है और बिल्कुल स्ट्रेट ही अचानक से 90 डिग्री के टर्न से ऊपर चला जाता है। और इस मैन्यूवर को आप एक एक्सेप्शनल मैन्यूवर्स कह सकते हो, जो कि सच्चाई पूछो तो रियल लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अचानक से देख के ये लोगों को धोखे में दिया जा सकता है कि ये कोई रियल फाइटर जेट है, लेकिन ये कोई रियल फाइटर जेट नहीं है दोस्तों। ये एक्चुअल में फाइटर जेट का आरसी मॉडल है। आरसी मॉडल क्या होता है? तो आरसी का फुल फॉर्म होता है रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल। और इसको बेसिकली आप जो आपके घर में कभी कोई देखा होगा, आपने आपका कोई बच्चा या किसी रिश्तेदार का बच्चा होगा, आपने देखा होगा वो रिमोट से कहीं हेलीकॉप्टर उड़ाता है या कार चलाता है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है, बस ये थोड़ा महंगा खिलौना है। इस फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये Su-30 MKI जैसा कोई फाइटर है और उसका ये RC मॉडल है। ये देखिए, ये लोग रिमोट से इसे कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसा ही वो भी फाइटर है। तो ये काफ़ी महंगा खिलौना है, तो ये आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन है ये खिलौना ही। ये एक्चुअल में इसका फाइटर जेट से कोई लेना देना ही नहीं है। और इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया हुआ है और लिखा हुआ है इम्प्रेसिव ट्रेनिंग वीडियो ऑफ चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट। वाह वाह भाई वाह, चाइनीज मीडिया का प्रोपोगेंडा, वाह। तो इसको और कंफर्म करने के लिए मैं आपको ये भी स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये आप देखिए, 12 सितंबर को 1:09 पे रात में मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया था और मैंने उसमें लिखा भी हुआ है कि इट्स नॉट रियल फाइटर जेट। आप चाहें तो फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि ये मेरे फेसबुक पेज पे मैंने 12 तारीख को पोस्ट किया था। और इन्होंने कब पोस्ट किया है? तो इन्होंने लगभग ये पोस्ट दोस्तों 14 या 15 सितंबर के दिन किया है और मेरा पोस्ट था 12 सितंबर का। तो समझिए आपकी, आप साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये एक फेक प्रोपोगेंडा था चाइना का। और इस तरीके से वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वो ट्विटर चलाते क्यों हैं भाई, जब चाइना में ऑलरेडी ट्विटर बैन है। और आश्चर्य की बात ये है कि उनके 7 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं भाई, फॉलो इनको कौन करता है? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है। तो खैर, जो लोग फॉलो करते हैं उस तरह के लोगों के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा चाइनीज मीडिया और वहाँ की सरकार चलाती है। इसके अलावा एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसी तरह से इन्होंने, इनके ग्लोबल टाइम्स और ये PLA का इनका जो न्यूज़ एजेंसी है, इन दोनों ने मिल के एक हवा फैलाया था कि इन्होंने राफेल को 17 बार हराया है। हालांकि कुछ जगह इसको बताया गया कि उन्होंने Su-35 को कहा है हराया है। तो खैर, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब उन्होंने वीडियो गेम खेल के हराया है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह के मॉक ड्रिल में कोई किसी को भी हरा सकता है। मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो गेम की तरह चीज़ होती है, जो स्पेसिफिकली आप क्वालिटीज़ डालते हैं सामने वाले फाइटर जेट में, वो उस तरह की क्वालिटी पे वो कंप्यूटर एक्ट करता है। तो वो असली राफेल नहीं था, ना ही उसमें राफेल की किस हद तक क्वालिटीज़ थी, ये तो वही लोग जानते होंगे। तो इनका ये फेक प्रोपोगेंडा इस तरह का चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को, मैं जरूरी कहता नहीं हूँ शेयर करने को, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं पे भी जहाँ पे आपको ठीक लगता हो आप शेयर करिएगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि इनका फेक प्रोपोगेंडा कैसा होता है। और इनको मैंने दोस्तों ट्विटर पे रिप्लाई भी कर दिया था कि भाई आप ये प्रोपोगेंडा मत फैलाओ, ये RC मॉडल है, ये कोई फाइटर जेट नहीं है, आप वो भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। खैर, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी आपको भी कोई ऐसा ही फेक प्रोपोगेंडा कुछ लिंक वगैरह मिलता है तो आप फेसबुक पे हमें फॉलो करिए और वहाँ पे आप हमें सारी चीज़ें बताइए। और पहली बार मैं ये कहने जा रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं कहा है, मैं ट्विटर का भी लिंक इसमें डाल दूंगा। आप अगर पॉसिबल हो पाए, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो अब आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं और भी बहुत सारी तरह की जानकारियाँ आजकल दे रहा हूँ। तो अब मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा हमेशा रेगुलर रहूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप मुस्कुराते रहिए। इनका वीडियो का लिंक मैं, इनके चैनल और इनके वीडियो का लिंक इस अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इनको भी जाइए, इनको भी सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो मुझे भी जाने से पहले सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा दे, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा दे, सी ओके कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक ईजिली पहुँचती रहेगी। इजाज़त दे अभी हमें, अल्लाह हाफिज़।